केंद्र सरकार ने 23 जुलाई मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पर सरकार कुछ खास मेहरबान रही। दोनों राज्यों को भारी भरकम रकम मिला। मोदी सरकार के इस ऐलान को विपक्ष कुर्सी बचाओ कह रही है। दूसरी तरफ जदयू और टीडीपी ने इसे क्रांतिकारी बजट बताया है। इन सबके बीच विपक्ष नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है कि पहले तो वो इसके लिए आंदोलन करने को तैयार थे, लेकिन अब इस पैकेज में ही खुश हो रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष का कहना है कि नीतीश के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है, जेल जाने की डर की वजह से वो पीछे हट रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि गिरफ्तारी वाला पूरा माजरा क्या है। बिहार कांग्रेस, राजद और लेफ्ट का दावा है कि नीतीश कुमार अपने करीबी अफसर पर लगातार पड़ रहे ईडी के छापे से प्रेशर में है। अपने करीबी अधिकारियों पर जांच एजेंसी के शिकंजे को देखते हुए नीतीश खुद डर गए हैं और इस वजह से अब वो विशेष राज्य की दर्जे वाली मांग से पीछे हट रहे। विपक्ष का कहना है कि जांच की आंच नीतीश तक न आए, इसीलिए अब उन्होंने पटर पटर करने के बजाय चुप्पी साध ली है। बता दें कि ईडी इन दिनों ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। संजीव हंस नीतीश के करीबी बताए जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट में एनडीए के दो बड़े सहयोगियों नीतीश और नायडू को साधने की कोशिश की है। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन बजट में सरकार मेहरबान दिखी। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि काशी की तर्ज पर बिहार का महाबोधि मंदिर भी चमकेगा। राज्य में विष्णुपद कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, जिसमें पटना पूर्णिया, वैशाली बोधगया, पटना पुणे और बक्सर भागलपुर शामिल है। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन के अलावा अतिरिक्त पुल भी बनाया जाएगा।